तो गाइज ये एफिल टावर है। तो गाइज ये है पीसा का झुका मीनार, ये है ताजमहल। तो हेलो जानी, कैसे हो आप सब? मैं आपका सैंकी सिंह, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिल्ली रास्कल पे। तो गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है, और आज मैं आया हूँ वेस्ट ऑफ वंडर। दिख रहा होगा आपको भी, यहाँ की जो टिकट है वो मुझे पड़ी है 50 रुपये पर पर्सन। दो की टिकट है मेरी और लव की, तो 50 रुपये पर पर्सन की टिकट है। अगर आप संडे और सैटरडे आते हो तो आपकी 100 रुपये की पड़ेगी। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। तो गाइज ये है टिकट काउंटर, ठीक है, जेंट्स का और लेडीज का। म्यूनसिपैलिटी स्कूल वाले फ्री हैं, बाकी एंट्री। ये टिकट को ऐसे कट कर देते हैं। ये राइट साइड में वॉशरूम बना हुआ है, और यहाँ पे फ्लैग है जो कि बारिश की वजह से गीला हो चुका है, तो अभी उड़ नहीं रहा है, मतलब अभी लहर नहीं रहा है। ये रे लव भाई हमारे साथ हंसते हुए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमारे सैनिक की एक मूर्ति बनाई गई है बहुत प्यारी। और यहाँ आप देखोगे तो एक बाज है बहुत बड़ा। ये है वेस्ट ऑफ वंडर पार्क, ठीक है। ये बराबर पीछे कैंटीन है, मैं आपको कैंटीन भी दिखा देता हूँ। ये कैंटीन है, ठीक है। और इधर आप आओगे तो, इधर आप आओगे तो ये अभी हाल ही में नया बन रहा है, ठीक है। बाकी ये बहुत प्यारा है, साइड से रोड है। ये फुव्वारे वगैरह हैं यहाँ पे, पानी वगैरह के फुव्वारे वगैरह चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर दुनिया के 7 अजूबे बने पड़े, सारी चीजें वो आपको दिखाता हूँ। ये मेरे बैक साइड देख रहे होगे आप, कितना प्यारा, मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, कौन सी कंट्री में, पता नहीं है। बाकी अब पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। पहले यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे थे, अब वो नहीं लग रहे हैं, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको भी पता हो, मतलब आपको पता हो कि इसे क्या बोलते हैं और ये कौन सी कंट्री में है, तो कृपया कमेंट करके मेरे को बताइए। तो गाइज ये है पीसा का झुका मीनार, जो कि यूरोप में स्थित है, और यहाँ पे उसकी एक डमी कॉपी बनाई हुई है। और एक चीज मैं आपको सबसे बेस्ट चीज बता दूं, ये सारा लोहे के वेस्ट पार्ट से बनाया गया है। बाकी ये पार्क वगैरह हैं, बाकी ये रस्ते हैं। गाइज ये है आईफिल टावर, ये डे में इतना प्यारा लगता है, नाइट में और ज्यादा प्यारा व्यू है इसका। इसके नाइट के भी शॉट्स मैं भी आपको डाल दूंगा साथ ही साथ में। ये डे का है। तो गाइस ये एफिल टावर है जो कि पेरिस के अंदर है। इसके रोड भी बहुत प्यारे बने हुए हैं, जो भी इसका है, साइड साइड में ग्रीनरी है। और आगे कन्याएं सेल्फी ले रही हैं, ठीक है, उनकी सेल्फी में हम ना दिख जाएं। आपको मैंने एफिल टावर दिखाया, और 2-3 चीज़ें और दिखाई, अभी मैं आपको ताजमहल और बहुत चीज़ें दिखाने वाला हूँ। बाकी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना यार। तो गाइस हम नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कोलोजियम, ये इटली में स्थित है, बहुत सुंदर है इटली में भी। और यहाँ पर इसको वेस्ट तरीके से बनाया गया, मतलब वेस्ट आइटम से बनाया गया, और बहुत प्यारा बनाया गया। बेसिकली मेन इसका इटली में है, और यहाँ पे इसकी डमी रफ कॉपी बनाई गई है। आगे आ जाओ। मैं नेक्स्ट आता हूँ, यहाँ पे हमेशा भीड़ मिलेगी आपको। बेसिकली कपल्स भी होते हैं, फैमिली वगैरह वाले यहाँ खड़े जाते हैं, क्योंकि ये है ताजमहल, जो कि अभी इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। और जब इसकी लाइट जलती है ये बहुत प्यारा दिखता है। तो गाइज ये है रियो रिडीमर, ये ब्राजील में स्थित है, और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो 124 फीट है। तो गाइज अभी तो ये एक डमी पर्पज से बनाया गया है, तो इसकी अभी तो हाइट उतनी नहीं है, अभी इसकी हाइट होगी 20 या 22 फीट समथिंग। ग्रीनरी है पूरी, अभी शाम हो रही है, धीरे धीरे जैसे शाम होगी तो यहाँ पे लाइटें जल जाएंगी। तो गाइज ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि अमेरिका और फ्रांस के बीच में है, समुद्र के बीच में स्थित है ये। गाइज वापस आ गए हैं, कैंटीन का एरिया है, और ये एग्जिट पॉइंट है, वापस आ चुके हैं हम। तो गाइज वेस्ट ऑफ वंडर का पार्ट खत्म हो चुका है। तो गाइज वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। लव यू।